माइसेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो क्लिनिकल टॉपिक है, यूएसजी ऑफ चेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ चेस्ट। ऐसे तो हम लोग चेस्ट का पहले जब कोई भी प्रॉब्लम होती है लंग्स में या चेस्ट में, थोरेसिक कैविटी में, तो सबसे पहले हम उसका कराते हैं चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हमें बहुत कुछ फाइंडिंग होती है, लेकिन जब हमें चेस्ट एक्सरे में एक फाइंडिंग होती है इफ्यूजन का, इफ्यूजन, तब हमें अल्ट्रासोनोग्राफी कराना ही चाहिए। याद रखेंगे इस बात को, हमें, हम लोग क्या करते हैं, इफ्यूजन जान के छोड़ देते हैं, नहीं, जब इफ्यूजन का रिपोर्ट होता है, प्लूरल इफ्यूजन, जैसे रिपोर्ट आया एक्सरे में, जैसे एक्सरे में दिखाई दिया प्लूरल इफ्यूजन, उसके बाद हमें यूएसजी कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। देखिए अरे, जैसे आपको मालूम होगा कि लंग्स में, ये लंग्स है, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है, हमें सिर्फ राइट लंग्स को हम थोड़ा सा एक्सपोज करके बता रहे हैं कि ये जो होती है ये अल्वियोलाई है। अल्वियोलाई को कवर किए हुए जो लेयर, उसको बोलते हैं विसरल लेयर बोलते हैं, है ना, विसरल प्लूरल लेयर, विसरल प्लूरल लेयर। और एक उसके बाहर का लेयर होता है जिसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरल लेयर। तो पेराइटल प्लूरल लेयर जो होती है ये डायरेक्ट अटैच रहती है थोरेसिक वाल से, है ना, जो थोरेसिक वाल होता है, रिंग्स वाला जो वाल होता है ना, इससे डायरेक्ट अटैच रहता है पेराइटल वाला। विसरल वाला क्या होता है, वाल अल्वियोलाई से अटैच रहता है, अल्वियोलाई से अटैच रहता है वो। तो ये दोनों लेयर के बीच में, ये दोनों लेयर को मिला के क्या बोलते हैं, प्लूरा कहते हैं, दोनों को बोलते हैं प्लूरा। तो दोनों लेयर के बीच में कुछ फ्लूड होता है, इस फ्लूड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूड, है ना, इस फ्लूड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूड बोलते हैं। इस प्लूरल फ्लूड का कुछ अमाउंट होता है, इसका अमाउंट एक फिक्स होता है, हाँ, लेकिन यह है कि पोजिशन के अनुसार ये चेंज होते रहता है। जैसे हम सुपाइन पे रहते हैं तो फ्लूड का अमाउंट ज्यादा रहता है, सिटिंग में थोड़ा सा कम हो जाता है, स्टैंडिंग में और कम हो जाता है, तो थोड़ा सा पोस्चर के अनुसार से फ्लूड का वेरिएशन होती है। इसलिए जब हम सुपाइन पोजिशन पर रहते हैं तो सांस लेने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, जब प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अगर वो ये स्टैंडिंग पोजिशन पर रहते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ फ्लूड का अमाउंट कम हो जाता है। खैर चलिए, बात हम लोग उधर नहीं चले थे, बात लोग कर रहे थे। तो अगर ये फ्लूड का अमाउंट अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो जब किसी भी कारण से जब इस प्लूरल फ्लूड का अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो जब किसी भी कारण से जब इसका अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको लोग बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। अब ये फ्लूड जो बनती है यहाँ पर, ये कहाँ से बनता है, तो विसरल लेयर जो है ना फ्लूड को बनाती है, विसरल लेयर ब्लड सप्लाई होती है और यही इस फ्लूड का तैयार करती है। तो अब चलिए बात करते हैं कि फ्लूड का अमाउंट बढ़ के हो जाता है, तो फ्लूड का अमाउंट जो बढ़ता है उसके पीछे कारण तो बहुत है, लेकिन हमको यहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी को देखना है। तो यह अल्ट्रासोनोग्राफी डिटेक्ट करती है कि यह फ्लूड का नेचर कैसा है। तो क्या होती है, यहाँ पे दो तरह के फ्लूड होते हैं, इसमें दो तरह के फ्लूड, यानी कि इफ्यूजन कितने तरह के हो जाएंगे, इफ्यूजन जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांजुडेटिव इफ्यूजन, ट्रांजुडेटिव इफ्यूजन, और एक होता है एक्जुडेटिव इफ्यूजन, एक्जुडेटिव इफ्यूजन। यानी दो तरह के इफ्यूजन होते हैं, ट्रांजुडेटिव इफ्यूजन और एक्जुडेटिव इफ्यूजन। ट्रांजुडेटिव इफ्यूजन में क्या होती है कि ट्रांजुडेटिव फ्लूड का एक्युमुलेशन होता है, और एक्जुडेटिव इफ्यूजन में एक्जुडेटिव फ्लूड का एक्युमुलेशन होता है। तो ट्रांजुडेटिव फ्लूड होता क्या है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का जब एक्युमुलेशन ज्यादा हो जाता है तो ट्रांजुडेटिव फ्यूजन कहला जाएंगे। और एक्जुडेटिव में क्या होती है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड सेल्स एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स भी वहां पर एक्युमुलेट करते हैं, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, एक्जुडेटिव फ्यूजन बोलते हैं। ट्रांजुडेटिव फ्यूजन कैसे होती है, विदाउट ब्लड डायलिटेशन का, बिना डायलिटेशन का जो इफ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजुडेटिव फ्यूजन। डायलिटेशन होने के बाद, ब्लड कैपिलरी के डायलिटेशन के बाद जो इफ्यूजन होता है
तो उसको बोलते हैं एक्सुडेटिव फिजर बोलते हैं, यानी ट्रांसुडेटिव में जो ब्लड कैपिलरी होती है वो डायलेट नहीं होती है, लेकिन एक्सुडेटिव में ब्लड कैपिलरी वहां पर डायलेट करते हैं। तो यानी ट्रांसुडेटिव फ्यूजन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। एक्सुडेटिव फ्यूजन में एस्पायरेट करना पड़ता है, वहां से फ्लूइड को निकालना पड़ता है, कहीं ना कहीं ज्यादा वहां पे कुछ ना प्रोटीन का डिपोजिशन हो चुका होगा, सेल का डिपोजिशन। देखिए तो देखिए ट्रांसुडेटिव फ्यूजन अलग हो गया है और एक्सुडेटिव फ्यूजन अलग हो गया है। ट्रांसुडेटिव फ्यूजन का कारण क्या होता है? जैसे माल न्यूट्रिशन हो सकता है, हाइपोथायरॉइडिज्म, एनीमिया, लिवर डिजॉर्डर्स, रिनल डिजॉर्डर्स, हाइपोप्रोटीनेमिया, ये सब जो कारण होते हैं वह ट्रांसुडेटिव कॉज है। यानी एक भी कॉज यहाँ का नहीं है, सारे कॉज अलग के हैं। एक्सुडेटिव में क्या होता है, जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स एब्सेस, निमोनिया, लंग्स इंजुरी, एआरडीएस या फिर प्लूडीसी, तो सारे कारण कहाँ के हैं? यही कारण है। तो दोनों दो चीज है ना, ट्रांसुडेटिव फ्यूजन का कारण अलग होता है, एक्सुडेटिव फ्यूजन का कारण यही का लोकली कारण हो गए। दोनों का फ्यूचर अलग है, दोनों का मोड ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग बेसिस से करते हैं, दोनों का मेडिसिन अलग अलग होता है। तो मैनेजमेंट से लेकर मेडिसिन तक सब कुछ अलग है, कॉम्प्लिकेशन भी इसका अलग है, है ना। तो जब तक हमें कोई ये नहीं मालूम होगा कि यह इफ्यूजन किस तरह का है, तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे इसका। हमें एक इफ्यूजन को जानना चाहिए, हमें इफ्यूजन को प्रॉपरली जानना होगा कि यह इफ्यूजन है किस तरह का, क्योंकि बिना इफ्यूजन के जाने हुए हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन में क्या होती है कि अपने आप से भी ठीक हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक बात एक और भी होती है ना, जैसे ज़्यादा अगर पानी चढ़ा देते हैं, ओवर इन्फ्यूजन कर देते हैं, तब भी ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन हो जाती है। तो ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन रिवर्सिबल होता है, उसमें बहुत बार ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन हमें इलाज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप वो ठीक हो जाता है। हाँ, इलाज करेंगे किसी और चीज़ का, प्रोटीन डाइट को बढ़ा, प्रोटीन को बढ़ाएंगे, अल्बुमिन को बढ़ाएंगे, ऐसे ही ऑन्कोटिक प्रेशर उसका बढ़ जाता है। तो देखिए ट्रांसुडेटिव फ्यूजन क्यों हो जाती है, ऑन्कोटिक प्रेशर घटने के कारण, हाइपोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाने के कारण, साल्ट के बढ़ने के कारण। तो जो कारण है उसका इलाज कर लेंगे आसानी से। एनीमिया है तो एनीमिया का ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। एक्सुडेटिव का कारण क्या हुआ, यहीं का इंफ्लामेटरी कॉज होता है, चाहे वो लंग्स ट्यूबरकुलोसिस है, लंग्स एब्सेस है, निमोनिया है या कुछ और भी कॉजेस है। तो एक्सुडेटिव में यहाँ पर ब्लड वेसल डायलेट हुआ होगा, तो इस फ्लूड का नेचर चेंज हुआ होगा ना। तो यहाँ पर क्या हुई, ये फ्लूड को कंसिस्टेंसी, इस फ्लूड के कंसिस्टेंसी से, इस कंसिस्टेंसी से हम ये पता लगाते हैं कि ये ट्रांसुडेटिव फ्यूजन है या एक्सुडेटिव फ्यूजन है, इस फ्लूड के कंसिस्टेंसी से। और इस फ्लूड का कंसिस्टेंसी कैसे पता चलेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चलेगा। इसीलिए हमें इफ्यूजन का रिपोर्ट जब मिलता है तो हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम देखें ना आपको कि इफ्यूजन दो तरह का हुआ ना, दोनों का सब कुछ अलग है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट से लेकर मेडिसिन कॉम्प्लिकेशन तक अलग है। इसीलिए हमें यूएसजी ऑफ चेस्ट करा लेते हैं तो हमें इसके बारे में फाइंडिंग हो जाती है। ये था मेरा इफ्यूजन का, ये था मेरा लंग इफ्यूजन के बारे में जानना। कभी कभी हम इसका यूएसजी का इम्पोर्टेंस ये इसलिए करते हैं कि एस्पायरेशन करने के लिए, लंग्स में कहीं अब्सेस है, कहीं पे फाइब्रोसिस है, कहीं पे ट्यूमर है, तो लंग्स में या प्लस इसमें भी ये इसके लिए भी हमें एस्पायरेट करने के लिए, फ्लूड को एस्पायरेट करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए भी अल्ट्रासोनोग्राफी का सहारा लेते हैं। यानी वहाँ पर लिखा जाता है एस्पायरेशन ऑफ फ्लूड बाय गाइडेड ऑफ यूएसजी, यानी अल्ट्रासोनोग्राफी का जो ट्रांसड्यूसर है उस ट्रांसड्यूसर को चेस्ट वाल पे रखते हैं, और जहाँ से हमें सैंपल लेना है, जहाँ से कलेक्शन करना है डिजीज टिश्यू का, कुछ फ्लूड का या अब्सेस का, हम लोग क्या करते हैं वहाँ से पंक्चर करके नीडल के सहारे हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं।
अगर हमें इसमें स्टंट लगाने की जरूरत पड़ती है उसके लिए भी हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी का हम लोग हेल्प लेते हैं, लेकिन क्लिनिकल में सबसे ज्यादा अल्ट्रासोनोग्राफी और चेस्ट का इम्पोर्टेंस, यहाँ पे इफ्यूजन को पहचानना है, इफ्यूजन को जानना है, और इसी के बाद हम लोग फिर इसका हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ट्रांसुडेटिव अगर होगा तो हमें मोड ऑफ मेडिसिन कॉम्प्लिकेशन उसका अलग है, अगर एक्सुडेशन एक्सुडेटिव फ्यूजन है तो उसके लिए भी फिर हमें ट्रीटमेंट का वे अलग करते हैं, एक जैसा नहीं है ट्रीटमेंट, फ्यूचर उसका अलग है, तो इसलिए हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ चेस्ट कराते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें हार्ट का भी उसका भी हमें फाइंडिंग हो जाती है, हार्ट में जैसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन जब होता है तो उसका भी फाइंडिंग हमें अल्ट्रासोनोग्राफी से हो जाता है, तो अगर हम एक साथ अगर चेस्ट एक से अगर चेस्ट का अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो इस प्लूरल इफ्यूजन के साथ साथ हमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी पता चल जाता है, उसके लिए भी हम अलग से भी लिख सकते हैं और यूएसजी ऑफ चेस्ट से भी लिख सकते हैं, दोनों में हम लोग लिख सकते हैं, और इस ढंग से हम लोग यूएसजी ऑफ चेस्ट से उसके बारे में हम लोग फाइंडिंग कर लेते हैं। ये था मेरा अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ चेस्ट, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।